खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पे और मेरे घर में। शाम को सबने बोला कि कुछ स्नैक्स खा लेंगे, तो आज मैं बना रही हूँ उसी के चलते आलू की टिक्की और चाट की तरह एकदम से मस्त उसको बना के और खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री काम में आती है। और वैसे आलू की टिक्की की मैंने रेसिपी बना रखी है कई अलग अलग तरीके से, तो वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। कई बार मैं कुछ चेंजेस करती रहती हूँ उसमें, कभी कुछ डालती हूँ, कभी कुछ अलग से ऊपर से डाल के और बना लेते हैं चाट की तरह। तो चलिए फिर आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आलू, आलू की टिक्की है तो ऑब्वियसली आलू की टिक्की आलू के बिना तो बननी नामुमकिन है। और आलू लिए हैं मैंने 8-9 बॉइल किए हुए आलू हैं और इनको मैंने छील के रख दिया। अभी हम इसको मैश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें पड़ी है, तो वो आलू की टिक्की के लिए नहीं है, ये ऊपर से गार्निशिंग वगैरह चाट की तरह जो मैं बनाऊंगी उसके लिए यूज में आएगी, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने हरी मिर्ची रखी है, थोड़ी सी अंदर भी डाल सकते हैं, कई लोग प्लेन भी बनाते हैं तो थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्ची धनिया, बाकी इस पे और दूसरे मसाले डालेंगे। और हरी मिर्ची रखी है यहाँ पे मैंने, नायलॉन सेव रखी जो चाट पे ऊपर से डाली जाती है, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर रखा है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, दही रखा है मैंने, दही चाट की तरह बनाएंगे तो ऊपर से डालेंगे। यहाँ पे इमली की चटनी रखी है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप शीशी में बना के रख लें, छुट्टियों में जब भी कोई चाट का आइटम बनाए तो उसमें इमली की चटनी डाल सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो महीने भर भी खराब नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने हरी धनी पुदीने की चटनी बना के रखी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये है आम का पापड़ जो मैंने घर पे ही बनाया था, उसके पतले पतले से इस तरह से जूलियंस मैंने काट के रख दी, ये भी ऊपर से डेकोरेट करने के काम आएंगे। और साथ ही साथ रखा है मैंने लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे रखा है नमक और साथ में रखा है प्याज, ये भी ऊपर से डाल के और खा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने रखा है चाट मसाला और ये टमाटर है, तो टमाटर के भी इस तरह से मैंने बीज निकाल दिए और ऊपर वाला जो होता है उसको मैंने पतले पतले से काट दिए। यदि आपके पास चुकंदर यानी बीट रूट पड़ा है उसे भी आप छील के इस तरह से पतले पतले काट के और डेकोरेशन के लिए ले सकते हैं। अनार ले सकते हैं, अनार के दाने, वो आपकी क्रिएशन है कि आप क्या क्या उसके ऊपर कर सकते हैं। और छोटे छोटे अदरक के जैसे जूलियंस मैंने काट लिए तो ये भी डाल सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये और भी मसाले वगैरह रखे हैं, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर है, साथ ही साथ अमचूर पाउडर है और जीरा है ये साबुत, और साथ में तेल है यहाँ पे मूंगफली का तलने के लिए। और ये ब्रेड के स्लाइस मैंने थोड़ी सी इनकी किनारी हल्के हल्के हटा के रख दिए, तो जैसे ब्रेड क्रम्स डालते हैं और यदि हर समय उपलब्ध नहीं है, ब्रेड तो हमेशा पड़ी रहती है, तो ब्रेड को ही इसके अंदर मसल के हम जब टिकिया बनाएंगे इसको मैश करेंगे उसमें मिला देंगे, उससे हमारी टिकिया में एक क्रंच आ जाएगा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। तो चलिए फिर हमारी टिकिया बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जो बॉयल किए हुए आलू लिए थे छील के और उसको मैंने मैश कर दिया है। और अब इसके अंदर पहले हम मसाले मिला लेते हैं, तो थोड़ा सा, वैसे कई जने इसमें अमचूर पाउडर नहीं डालते, मैं इसमें थोड़ा सा खटाई आएगी इसमें, अच्छा टेंगीनेस आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार डाल लें और मसाले को एक बार बनाने के बाद चख लेंगे, यदि कोई चीज कम होगी तो डाल सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसके अंदर, अच्छा चटपटापन और आ जाएगा इसके अंदर। और साथ ही साथ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कई जने नहीं डालते पर थोड़ा सा मैं डालूंगी इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें साबुत जीरा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है टिक्की में तो वो डालेंगे हम। और साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा आधी टीस्पून गरम मसाला इसके अंदर, तो ये डाल दूंगी मैं। अब ये सारी चीजें हमारे मसाले इसमें पड़ गए, तो थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया और बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च, यदि कोई नहीं खाते तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और प्याज अभी नहीं डालेंगे, प्याज हम ऊपर से डालेंगे। और इसके अंदर मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर को बाइंडिंग के लिए काम में लेंगे, वैसे ब्रेड भी इसमें बाइंडिंग और क्रिस्पीपन दोनों देगी, तो कॉर्नफ्लोर मिला देंगे इसके अंदर। तो 4 छोटे चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, 4 टीस्पून। और अब इसके अंदर हम इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब बारी आती है ब्रेड को डालने की, थोड़ी सी मैंने किनारी हटा दी ताकि वो जब हम इसको बाइंड करेंगे तो बीच में नहीं आएगी, वो अच्छे से हो जाएगा बाइंड। और ये टुकड़े करके और इसमें मैं मिला देती हूँ और एक बार सारे को मैश कर लेंगे आलू के साथ, तो बहुत अच्छा क्रिस्पीपन आ जाता है। ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप इस तरीके से भी, ब्रेड घर में पड़ी है सबके घर में रहती है तो आप डाल सकते हैं उसको। तो ये देखिए आप इस तरह से ब्रेड के स्लाइस ले लिए मैंने और आलू 8-9 थे तो करीब 6-7 इसमें मैंने ब्रेड के स्लाइस डाल दूंगी मैं, तो मात्रा आलू की ज्यादा होती है तो ब्रेड भी उसके साथ अच्छा क्रिस्प देगी। अब इन सबको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
कभी मसाले और ब्रेड वगैरह डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और यदि आपको लगे तो थोड़ा एक दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं। और अब हम टिकिया आप जिस साइज की चाहे आप बना सकते हैं। इसके लिए मसाला अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, और आप चख के देख सकते हैं नमक वगैरह जो भी यदि आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं। और ये देखिए आप जिस भी साइज की आप टिकिया बनाना चाहें बना सकते हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इससे बहुत आसानी रहेगी और चिपकेगी भी नहीं। इसी तरह से हम टिकिया बना बना के रख देंगे। टिकिया बनाना शुरू करते हैं, उनको फ्राई करेंगे तो पैन के अंदर करूंगी मैं। थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगता है तो तवे पे से तेल निकलने लग जाता है बाहर, तो पैन के अंदर कर लेंगे तो सुविधा रहेगी। थोड़ा सा एक्सेस भी ऑयल है जो वो निकलेगा नहीं और इसके अंदर ही रहेगा, और टिकिया हमारी अच्छे से सिकेगी। तो तेल एक बार गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें टिकिया डालेंगे। ऑयल को इसके ऊपर फैला लेते हैं और अब एक एक करके हमारी टिकिया रख देंगे पैन के अंदर, और एक बार अच्छे से शेप दे देंगे इसको। एक बार तेज आंच पे करने के बाद थोड़ा सा धीरे कर दिया ताकि अच्छी क्रिस्पी सिकेगी और जलेगी नहीं, और साइड में यदि ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा इनमें ऑयल डाल देंगे तो अच्छी सिक जाएगी। और एक बार इसको हिलाते रहेंगे ताकि सब तरफ से ऑयल पहुंचेगा और हमारी टिकिया बराबर से सिकेगी। तो एक एक करके सभी टिकिया को एक बार हम पलट लेंगे। तो ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा देर में वो जलने लग जाती है। तो एक बार पलट उलट पलट के और दोनों साइड से हम सेकेंगे इनको। टिकिया को उलटते पलटते रहे और ऑयल भी देख लें चारों तरफ पहुंचा है कि नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण है आँच इसकी, जो गैस को कम ज़्यादा करते हैं, कभी मीडियम कर लें बहुत तेज है, कभी थोड़ा तेज कर लें तो टिकिया हमारी बहुत अच्छी सिकेगी। ऐसे नहीं है कि आपने बिल्कुल धीमे पे ही रख के छोड़ दिया या बहुत तेज कर दिया तो वो जल जाएगी, और बिल्कुल धीमे कर दिया तो बहुत अच्छी नहीं सिकेगी। तो इसलिए आँच का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल एक बार फिर से नीचे से इस तरह से पलट के दोनों साइड से अच्छा अच्छा क्रिस्पी सा सेक लेंगे। हमारी टिकिया सिक गई है तो एक बार इनको निकाल लेते हैं। तो हमारी टिकिया को एक बार निकाल लेते हैं फिर दूसरा बैच डाल देंगे इसके अंदर। हमारी टिकिया फ्राई होगी, इसी तरह से मैं और फ्राई कर लूंगी। इससे पहले मैं इसको आपको ऊपर से डेकोरेट करके यानी कि गार्निशिंग वगैरह करके जैसे चाट की तरह बना के दिखाती हूँ कि आप क्या क्या डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी टिक्की को हम रख देंगे, और दो टिक्की रखती हूँ पहले मैं इसके अंदर, और इसको हम जो भी हमको उनके सारे ऊपर जो भी चीजें चाट की तरह बनाना है इसको बहुत चटपटा आइटम, तो उस तरह से बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या चीजें इसके ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके इसको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं आप दबा के, और इसके ऊपर मैं डालूंगी दही, तो एकदम चाट की तरह अच्छा चटपटा सा बन जाएगा। तो इसके ऊपर हम डालेंगे दही, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हमारी हरी चटनी धनिया पुदीने की, और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर हमारी इमली की चटनी, तो अब मैं डालूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला जैसे मैंने अंदर भी डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक। अब ये सब हमने डाल दिया है, अब इसके बाद बारी आती है हमारी और चीजों की। तो ये जो मैंने रखी यहाँ पे सजाने के लिए थोड़े से अदरक के जूलियंस मैंने काट के रखे थे, लंबे लंबे जो इस तरह से काटते हैं उसको जूलियंस कहा जाता है, तो ये काट के रख दी मैंने। तो ये मैंने अदरक के जूलियंस काट के रख दिए। यहाँ पे मैंने एक टिक्की और ऐड कर दी है और थोड़ा मसाला वगैरह दही वगैरह और डाल दिया है। अब इसमें अदरक के जूलियंस डालने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम टमाटर, ये जो पतले पतले मैंने सीडलेस कर दी यानी इसके बीज और वो अंदर का पल्प निकाल के इनको बिल्कुल पतला पतला सा इसकी भी जूलियंस काट ली थी। और आप चाहें तो चुकंदर को भी इसी तरह से छील के काट के और ऊपर से डाल सकते हैं। और अब हम वैसे आप चाहें तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब ये जो मैंने आम पापड़ लिया है ये जो होममेड है मेरा घर पे बनाया हुआ, तो अब ये आम पापड़ डाल देंगे इसके ऊपर। छोटे छोटे से टुकड़े मैंने काट के रख दिए पतले पतले इसके भी। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया के बिना, हरियाली के बिना तो पूरी सजावट ही अधूरी हो जाती है फ्रेंड्स। तो हरा धनिया का उपयोग मैं सब सब्जियों में और सब में करती हूँ। तो हरा धनिया डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये नायलॉन सेव, जो कि अक्सर आपने देखा होगा चाट पकौड़े वाले सब ऊपर से डाल के देते हैं, तो थोड़ी सी नायलॉन सेव डालने से इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्रंच आ जाएगा एक। और एंड में हम डालेंगे प्याज, जो लोग प्याज नहीं खाते वो अवॉइड कर सकते हैं इसको।
तो ये प्याज डाल देंगे इसके ऊपर। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये टिकिया की चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे टिकिया की चाट बना के खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।